हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.5 की क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां पर ये इस सर्कल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया गया है जिसके डायगोनल्स ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड इसके बाद हमें ये कहा गया है कि एक एंगल डीबीसी, ये वाला एंगल 70 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया गया है, तो हमें फाइंड करना है एंगल बीसीडी। That means, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है, एंड उसके बाद हमसे कहा गया है एक ए बी बी सी के इक्वल है। ए बी एंड बी सी ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हो तो हमें फाइंड करना है एंगल ई सी डी। ओके, सो फर्स्टली हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें गिविन क्या है। हमें गिविन है एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BAC is equal to 30 degree, and इसके साथ साथ हमें AB is equal to DC यहाँ पर दिया गया है। Now to find हमें find क्या करना है? हमें find करना है angle BCD and angle ECD। इन दोनों की values हमें find करनी है। Okay? So solution start कर लेते हैं। यहाँ हम ध्यान दे सकते हैं कि ये एंगल 70 डिग्री है, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है बी सी डी। तो अगर हम किसी तरह से इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस बी सी डी ट्राइंगल में हम इस थर्ड एंगल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये डी एंगल की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है एंगल 30 डिग्री का। ओके, तो 30 डिग्री का एंगल ये है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये जो BC कोड है, इस BC कोड ने इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ये इधर की तरफ है माइनर सेगमेंट, एंड ये पूरा का पूरा है मेजर सेगमेंट, एंड इस मेजर सेगमेंट के अंदर BAC ये एक एंगल क्रिएट हुआ, BDC ये एक एंगल क्रिएट हुआ, तो सेम सेगमेंट्स के अंदर दो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज इक्वल होंगी। ओके, हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, सो हमारे पास है एंगल बी ए सी की वैल्यू 30 डिग्री, सो इट इंप्लाइज एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? हमारे पास बी डी सी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स मिल गए हैं 70 एंड 30 डिग्री, तो हम इस बड़े वाले बी सी डी एंगल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ इन द ट्राइंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये बी डी सी, इसकी वैल्यू हमें मिली है 30 डिग्री, डी बी सी की वैल्यू हमें दी गई है 70 डिग्री, एंड बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो एंगल बी सी डी हमें कितना मिल जाएगा? 180 माइनस 70 प्लस 30 100, सो दिस इज 100, सो दिस इज 80 डिग्री। तो ये पहला आंसर हमें मिल गया है एंगल बी सी डी की वैल्यू 80 डिग्री। ओके, एंड नाउ हमें फाइंड करना है ई सी डी की वैल्यू। यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें ए बी एंड बी सी इक्वल दिए गए हैं, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? अगर हम ए बी सी ट्राइंगल पर ध्यान देते हैं तो ए बी सी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल दे दी गई हैं, तो इनके जो इक्वल साइड्स हैं, इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। ओके, कैसे? क्योंकि ए बी बी सी इक्वल है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो इट इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी
बी, ओके, ये है एंगल बी ए सी एंड ये है एंगल ए सी बी. सो बी ए सी की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, तो इससे हमें क्या फायदा होगा, इस पूरे एंगल की वैल्यू हमें मिली थी 80 डिग्री एंड ये छोटे वाले नीचे वाले एंगल की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री. तो हम ई सी डी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 80 माइनस 30 डिग्री से. ओके, सो एंड नाउ एंगल ई सी डी इज इक्वल टू, अगर हमें ई सी डी फाइंड करना है तो हमें बी सी डी में से एंगल बी सी डी माइनस करना होगा बी सी ए. ओके, एंगल बी सी ए. ओके, सो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो यहाँ पर आ जाएगा 80 एंड यहाँ पर आ जाएगा 30, सो इट इज इक्वल टू 50 डिग्री. दैट मीन्स ई सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री. ये हमारा सेकेंड आंसर आ जाता है. ओके, सो हमने यहाँ पर दोनों ही एंगल्स की वैल्यूज फाइंड कर ली है. तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यही है कि हमने इस सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस बड़े एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन उसके बाद हमें ए बी एंड बी सी इक्वल दिया गया है. तो इसमें हम ये सोच सकते हैं कि ए बी बी सी इक्वल देने से हमें क्या हेल्प मिल सकती है, हमें इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल मिल सकते हैं. सो उसकी हेल्प से हमने इस एंगल की वैल्यू की हेल्प से सामने वाले एंगल को फाइंड किया एंड उस 30 डिग्री की हेल्प से हमने ईसीडी एंगल को इजीली फाइंड कर लिया है. ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.